बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज अबाउट यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम द साइंस फैक्टर, पेज नंबर 66। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बिजली क्या होती है और मैग्नेटिज्म क्या है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली और मैग्नेटिज्म मीन्स मकनातीसी कशिश या मकनातीसियत। आपने मकनातीस तो देखा ही होगा किस तरह वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो वो अट्रैक्शन, वो कशिश क्या है और बिजली क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी की एक किस्म है, जिस तरह हमने एनर्जी की एक टाइप पढ़ी थी हीट, लाइट, साउंड, इसी तरह ये भी एनर्जी की एक टाइप है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से बनती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान होते हैं, एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। यू लर्न अ लिटल अबाउट एटम्स ऑन पेज नंबर 42, बट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी यू नीड टू नो मोर। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में मजीद जाना है इस यूनिट में। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द मिडल ऑफ एटम इन द सेम वे दैट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि एक्चुअली में ये बात क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है करंट के बहाव से। जो करंट का बहाव होता है किसी वायर में, किसी जगह पर, तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट। और करंट बनता है इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। ये आपके सामने पिक्चर है, ये पिक्चर आप पहले भी डायग्राम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में, हमने वहाँ पे भी ये एटम की पिक्चर देखी थी। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी जगह पे एटम हर लिहाज से मौजूद होता है। एटम का जो मिड पॉइंट होता है, उसका बिल्कुल जो सेंटर होता है, ये ब्लू कलर में आपके सामने है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच आर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन न्यूक्लियस से बाहर और एटम के अंदर एक और इसका मॉलिक्यूल मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में जो पूरे इसके साइडों पे बने हुए हैं, जो मतलब जिस तरह आप प्लैनेट सिस्टम देखते हैं तो सूरज के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी वगैरह, उसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और एटम के साइडों पे जो है, जो मूवमेंट हो रही है जिस मॉलिक्यूल की, वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या रगड़ खा के, जब वो इनकी मूवमेंट होने से जो एनर्जी पैदा होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी डिटेल हम अगेन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द मिडल ऑफ द एटम इन द सेम वे। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उसी तरह एटम के दरमियान में जो है मूव करता है। दैट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। जिस तरह सोलर सिस्टम में यानी शमसी निज़ाम में सयारे सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते हैं। When electrons stay within an atom, अभी इसकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में बनती कैसे और है क्या। When electrons stay within an atom, electricity is not produced. जब तक electrons एक atom के अंदर रहते हैं, वहाँ रुके रहते हैं, तब तक बिजली नहीं बनती है। However, sometimes outside actions can cause electrons to leave their own atom. आउटसाइड एक्शन, कुछ बैरूनी वर्क, बैरूनी काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाते हैं। व्हेन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू दिस एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ अगर हमें पता चला कि करंट कैसे बनता है, जब खरबों एक ही सेकेंड में, एक ही टाइम में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरीके से, अगर बहुत सारे यानी बिलियंस की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, जंप करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो उस मूवमेंट को, उस बहाव की वजह से जो है, उस मूवमेंट को कहते हैं, उस बहाव को इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी तवानाई। दिस इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहाव है, बिजली का बहाव है, एंड इट इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी बिजली को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। बिजली के बहाव को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली का बहाव कैसे हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम में एक एटम से दूसरे एटम में जंप करे या मुंतकिल हो रहे हैं। टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर हैव वेज टू गेट इलेक्ट्रॉन्स टू मूव बिटवीन एटम्स। अब करंट बनाने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने ये काम किया कि उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन्स की मूव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो सके एटम्स के दरमियान, ताकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी। द करंट इज़ यूजुअली सेंट अलोंग वायर्स। ज़्यादातर आमतौर पर जो है करंट तारों के ज़रिए भेजा जाता है टू वेयर द इलेक्ट्रॉन्स। मैं नेक्स्ट पेज देख रही हूँ। ये
To the current is usually sent along wires to where the electricity is needed. There is another type of electricity called static electricity. अच्छा ये तो होगी वो बिजली जो एटम के मुंतकिल होने से एटम में इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से एक एटम से दूसरे एटम तक पैदा हो रही है, जो कि वायर्स के जरिए उस जगह पहुँचाई जाती है जहाँ पर करंट की ज़रूरत हो। एक वो कह रहे एक और टाइप है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जामिद रुके रहना। अब ये क्या है, इट इज़ कॉज बाय टू ऑब्जेक्ट रबिंग टुगेदर। जब दो चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो ये बनती है। आपको मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। एक आज से कई साल पहले जब ये बिजली ईजाद की गई थी, यही वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे हुई थी कि एक शख्स ने जो है बहुत कोशिश की, उसने देखी थी जिसे ये आपके सामने है, उसने अपनी उसके पास एक बिल्ली थी, कैट थी, तो उसने एक पत्थर पकड़ा, अंबर का पत्थर देख ले या कोई भी पत्थर उसने लिया, उसने वो पत्थर अपनी बिल्ली के ऊपर रख दिया, बिल्ली के सर पर। उस कैट के जो सर, आपको पता है कैट के फर होते हैं, वो रगड़ता गया तो उस कैट के फर जो है वो खड़े हो गए, ऊपर की तरफ खड़े हो गए। तो वो बड़ा हैरान हुआ ये देखकर। उसने फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। जब मज़ीद एक्सपेरिमेंट होते गए तो उसे पता चला, जिस तरह अगर आप बैलून एक ले, बैलून के अंदर क्योंकि हवा भरी होती है वो बिल्कुल टाइट बैलून होगा, आप इस तरह ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सर पे रखा हुआ, अगर आप इसे कुछ टाइम तक अपने सर से रगड़ेंगे तो क्योंकि बैलून के पास भी चार्जेस सेम होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और आपके सर पर भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर हमेशा नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वो जब नेगेटिव चार्जेस दोनों मुंतकिल हो गए, रगड़ खाएंगे, यहाँ भी फ्रिक्शन काम आती है, फ्रिक्शन खाएंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो एटम जो कि बैलून है वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके सर के यानी आपके बालों में मुंतकिल हो गए, जंप करने से जो करंट पैदा होगा उस वजह से आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे, दिस वन। इस तरीके से यही तरीका आजकल जो है आप जदीद दौर है क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट भी यूज़ करते हैं बाल खड़े करने के लिए, अक्सर जो बॉयज़ है वो हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, वो बनाने के लिए भी यही तरीका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल किया जाता है, उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में मुंतकिल किया जाता है, अपोजिट चार्ज जब लगते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह करंट पैदा होता है। बैलून के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, आपके बालों में पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्ज जब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हुए तो करंट पैदा हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर का मतलब है ये कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर में क्योंकि उसके अंदर जो तार है उसके ज़रिए करंट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है, उस करंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से ही करंट पैदा होता है, और वही करंट कॉपर वायर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बता दी। देयर इज अनदर, इट इज़ कॉज बाई टू ऑब्जेक्ट रबिंग टुगेदर, द फ्रिक्शन कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। जाहिर है जब फ्रिक्शन वही फोर्स है जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, तो इसी फोर्स की वजह से जब रगड़ खाते हैं तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं। वैन पीपल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट कैन कॉज देयर हेयर टू स्टैंड ऑन एंड। ये मैं पिक्चर आपको दिखा चुकी हूँ कि जब आप अपनी बुक का पिक्चर भी देखें, ये बॉय बना हुआ है यहाँ एक साइड पर, तो उसके बाल भी खड़े हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने बालों से कुछ रगड़ा, जब रगड़ खाई तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल हुए और उसके बाल खड़े हो गए बिजली की वजह से। इसके नीचे एक डायलॉग बॉक्स है, वो देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 29,97,092 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 29,97,092 की स्पीड से ये जो है लाइट की स्पीड है, लाइट में जो है इलेक्ट्रिसिटी की ट्रैवल स्पीड है, बिजली इस रफ्तार से एक सेकंड में इतनी रफ्तार है उसकी, जब एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंच जाती है, ये बहुत तेज़ रफ्तार है बिजली की। तो पेज नंबर 67 पर ही एक पैराग्राफ है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर सो मैनी थिंग्स एंड इन सो मैनी प्लेसेज, बहुत सी चीज़ों में बहुत सी जगह पर यूज़ होती है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये तस्वीर करना भी मुश्किल है कि ज़िंदगी जो है बिजली के बगैर कैसे गुजरेगी। स्टूडेंट्स आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, अभी लाइट जाती है तो आप लोगों को बहुत शदीद गर्मी लगती है, लाइट भी नहीं मिलती है, पंखा भी नहीं चलता है, और इंतहाई गर्मी हो जाती है, हम तस्वीर भी नहीं कर सकते कि बिजली के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। बट ह्यूमंस ओनली वर्क आउट हाउ टू मेक एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 150 ईयर्स अगो, लेकिन इंसानों ने जो है सिर्फ काम किया था तब ये देखने के लिए कि किस तरह हम बना सकते हैं और किस तरह हम इस बिजली को यूज़ करेंगे, कब किया था, आज से तकरीबन 150 साल पहले। सो फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम डैट ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड नथिंग वाज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो तकरीबन
हर उस वक्त के लिए, उस तमाम वक्त के लिए जब तक के इंसान है, एग्जिस्टिंग यानी मौजूद है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ जो है बिजली के बगैर नहीं गुजारा हो सकता। जब तक हम जिंदा हैं हमें बिजली की ज़रूरत है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 68। हमें बिजली क्यों की किस किस चीज़ में ज़रूरत होती है? टुडे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट होम, हमारी फ्रिज चल रही है, इन स्कूल्स हमारे स्कूल में लेबॉरेटरीज और चल रही है, और वैसे भी टोटली हम बिजली के लिए ही चलते हैं, बिजली पर ही हमारी लाइट्स चलती हैं और पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, फ्रिज चलती है, ओवन चलते हैं, बहुत सी चीज़ें घर की, ऑफिस की, फैक्ट्रीज की और शॉपिंग मॉल्स की और स्कूल्स की, जो कि सभी बिजली पर मुनहसर हैं। टुडे इवन सम कार्स आर पावर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी, हत्ता के कुछ आजकल की कुछ गाड़ियाँ भी हैं जो बिजली से चल रही हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी वुड बी इन द डार्क, अगर बिजली ना होती तो यकीनन हम अंधेरे में होते। जब रात होती है और अंधेरा हो जाता है हमें उस वक्त लाइट की शदीद ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह अगर ये बिजली ना होती तो आज दुनिया में अंधेरा होता। साथ में एक अमेजिंग सी साइंटिफिक फैक्ट है, फैक्ट का मतलब होता है एक हकीकत है, देयर इज़ एन एनिमल डैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली, नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर एक ऐसा जानवर मौजूद है जो कि कुदरती तौर पर बिजली बनाता है, डैट एनिमल इज़ द इलेक्ट्रिक ईल, और उस जानवर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ईल। ये एक अलग से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए स्टूडेंट्स, जिसे आपको, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसा कि लाइट की बिजली की स्पीड है कि वो एक सेकंड में किस स्पीड से बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक एनिमल भी मौजूद है दुनिया में जिसके ज़रिए लाइट बनाई जा सकती है। तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी करंट का बहाव है, और वो करंट का बहाव कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं, मुंतकिल होते हैं, किस फोर्स के ज़रिए, फ्रिक्शन के ज़रिए, रगड़ खाकर। और एनर्जी की एक और टाइप हमने पढ़ी जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने आज के लेक्चर को भूलना नहीं है, नेटी स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।